अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम गए हैं यहाँ पे हाइपर नीड मार्केट में। तो मैंने जाना था अपनी भांजी की तरफ, तो कहने लगी कि हाला कुछ चटपटा सा उठा लाना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो सो मैंने ये ले लिया, क्या कहते हैं इसे, नूडल्स। नूडल्स ले लिए क्योंकि उसको नूडल्स पसंद है, तो मैंने कहा चलो इजी बन भी जाएंगे। तो जाना मैंने इसलिए था उनकी तरफ के सिस्टर जो थी वो मेडिसिन लेने के लिए लाहौर गई हुई थी, तो उनको आने में लेट हो गया, तो वो वहीं पे मेरे मामू की तरफ उन्होंने स्टे कर लिया। तो वो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगी, तो आज हम, मैं और मेरी भांजी एक साथ रहेंगे, साथ में उसकी दादो भी होंगी, तो हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। तो अभी यहाँ पे छोटे बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे थे जो कि चॉकलेट खरीद रहे थे, तो मुझे देख के कहते हैं कि आप पहले खरीद लीजिए। मैंने कहा भी नहीं, आप लोग पहले खरीद लो। छोटा बच्चा शायद चॉकलेट लेना चाह रहा था, उसकी छोटी सिस्टर कह रही थी नहीं, मामा से पूछेंगे। तो खैर इसी तरह फिर हम घर पहुंचे तो उसने ये नूडल्स बनाए जो कि हमने मूवी देखते हुए साथ साथ खाए, और बहुत ज़्यादा चटपटा बन गया था। जब तक रिजाब जो थी वो नूडल्स बना रही, तब तक मैंने एक कोई अच्छी मूवी ढूंढी, और मैंने एक अच्छी मूवी ढूंढी जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और हमने खूब इंजॉय की। उसके मुताबिक उसने बोला था कि हाला आप ना देखना, मैं जब आऊँगी तब स्टार्ट करना, लेकिन ना मैंने थोड़ी सी चला कर देख ली कि आया मूवी देखने के काबिल भी है या नहीं। तो मूवी तो अच्छी थी। तो खैर अभी फिर गर्मी भी बहुत थी, लाइट नहीं थी, तो हमने लाइट ऑन की और एसी जो था हमने ज़रा 17 पे किया कि ज़रा खूब कूलिंग हो जाए, और यहाँ पे हमें डांट भी पड़ सकती है। तो खैर लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 17 पे चलाया, बाद में 26 पे भी कर दिया था ताकि हमें डांटना पड़े, क्योंकि कह रही थी खाला कुछ कोई कुछ नहीं होता, आप चला लो मामा कौन सा इधर है। लेकिन नहीं, हमने फिर कम कर दिया। मैंने कहा नहीं भई, खाला खाला को ना गुस्से करवा देना। मज़े की बात आपको बताती हूँ कि आधी रात को लाइट गई हुई थी, तो हम बगैर एसी बंद कर किए हुए ही बाहर जाके सो गए थे, लेकिन फिर हमें गर्मी लगी तो दोनों उठकर अंदर आई, तो मेरी अकल ने काम ना किया। मैंने कहा रिजाब एसी ना चलाओ, विंडो खुली हुई है, बहुत ठंडी हवा चली हुई है, तो हम ऐसे चला लेते हैं। तो कहती खाला ऊपर तो देखो एसी चला हुआ है। फिर जल्दी जल्दी हमने विंडोज बंद की क्योंकि हम आधी नींद में थे। तो इसी तरह हमने बहुत मज़े की मूवी देखी, साथ में नूडल्स इंजॉय किया। तो हमारे लिए जो जोक पार्ट था वो यही था कि भी आधी रात को हम आंखें बंद किए हुए आए और एसी चला हुआ था, तो जी एसी चला ही नहीं है तो ऐसे ही सो जाओ। तो खैर ये मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह से हमने खूब इंजॉय किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो मैं ऑफिस के लिए गई, तो भांजी जो थी वो अपने स्कूल के लिए निकल गई। फिर मैंने गुजरांवाला जाना था, हमारा सेशन था, तो वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम बैठी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, खूब इंजॉय किया। और मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड ने लाहौर, उसको ट्रांसफ़र हो गया था, उसमें उधर चले जाना था, तो फिर मैंने उससे भी मुलाकात की और अपने पुराने स्टाफ से भी मुलाकात की। सब लोग बहुत खुश हुए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 9 जून था, तो 9 जून को मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, और उसी दिन 9 जून को मैं सेम उसी ब्रांच में गई जहाँ पे मेरा फर्स्ट डे था।
उसके बाद फिर बेसिकली ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें, अपने आप को ग्रूम करते रहें और हमारे में डे टू डे पर ये सारी चीज़ें खैर हमारा सेशन मुकम्मल हुआ तो फिर लंच का टाइम था तो हम लोग KFC की तरफ मूव किया क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शामला के लिए थोड़ा सा साथ में KFC था। वहाँ से हमने आइसक्रीम लिया, साथ में हमने जिंगर बर्गर की डील ली जिसके साथ हमारे पास लेग पीस थे और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था और ये खाने के बाद मुझे सुकून सा आ गया। तो यहाँ पे वापसी पे हमने नंदीपुर नहर सायदार जगह पे ज़रा थोड़ी सी ठंडी हवा लेने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए गाड़ी रोकी और साथ में थोड़ा सा दोबारा से हमने जिंगर खाए, आइसक्रीम खाई क्योंकि इतनी ज़्यादा थी खाई नहीं थी जा रही, हमने वक्फे से खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।